आज की ये वीडियो मैथ से संबंधित है। आज का प्रश्न है आपके सामने, निम्न सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया गया है, बारंबारता दिया गया है, तो चलिए इसको हल करते हैं। हल करने से पहले अगर चैनल पर नए आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेज रोज प्रतिदिन अपलोड करी जाती है। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा। ध्यान दीजिएगा, माध्यिका की गणना, वर्ग अंतराल लिख लेते हैं सबसे पहले, फिर बारंबारता, और फिर इसके बाद बारंबारता के बाद संचयी बारंबारता निकालते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये दो चीजें यहां पर दी रहती है, वर्ग अंतराल और बारंबारता। संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है। वर्ग अंतराल लिख लेते हैं यहां से भाई, 5 से 10 के बीच 8 है बारंबारता, 10 से 15 के बीच 10 है बारंबारता, और 15 से 20 के बीच 23 है बारंबारता, 20 से 25 के बीच 16 है बारंबारता, 25 से 30 के बीच 8 है बारंबारता, 30 से 35 के बीच 5 है बारंबारता। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, संचयी बारंबारता निकालेंगे। कैसे निकलेगा भाई संचयी बारंबारता? बारंबारता 8 के सामने वाला तो 8 ही हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहला वाला बारंबारता का मान, संचयी बारंबारता का मान वही होता है सेम। फिर इसके बाद दूसरे का क्या होगा, तो ये जो संचयी बारंबारता पहले वाले का आया है 8, ये दूसरे वाले बारंबारता में जुड़ेगा, तो दूसरे वाले का संचयी बारंबारता हो जाएगा। तो 8 को 10 में जोड़ो, क्या हो जाएगा 18, फिर इसके बाद 18 को 23 में जोड़ो, 8 3 11 की 1 हासिल 1, 2 1 3 1 4, ठीक। यहां पर 16 है, 41 इसमें जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 6 1 7 और 4 1 5, फिर इसको जोड़ते हैं इसमें तो क्या हो जाएगा 57 और 3 60 और 65 65, और फिर ये 5 जोड़ो इसमें तो क्या हो जाएगा 65 5 70। क्लियर? तो ये आ गया संचयी बारंबारता। ये जो बारंबारता दिया गया है, संचयी बारंबारता का सबसे नीचे वाला मान जो होता है, इसके ये बारंबारता योग के मान के बराबर होता है, तो n बराबर क्या हो गया 70। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 70 ही आएगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 16 4 20 4 24 24 5 29 29 31 और 30 2 32 32 8 40 40 20 60 10 70 70 आ जाएगा। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, n बराबर 70 जो कि सम संख्या है, तो n बाई 2 फार्मूले से यहां पर 70 बटे 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा। और आपको चेक करना है कि ये जो 35 आया है, ठीक, ये 35 ये संचयी बारंबारता में, ठीक है, किस नंबर के अंतर्गत आएगा? ठीक, तो क्या 18 के अंतर्गत आएगा? 35 नहीं आएगा ना, 41 के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहां पर इसके सामने वाला जो है, ये f का मान ले लीजिए, स्मॉल f मतलब बारंबारता का मान क्या हो जाएगा 23। फिर इसके जस्ट सामने वाली जो वर्ग अंतराल है उसको ले लीजिए, l1 इज इक्वल टू 15 और l2 इज इक्वल टू 20। क्लियर? तो ये वर्ग अंतराल आपने ले लिया, f का मान ले लिया। अब CF मतलब संचयी बारंबारता का मान कैसे लेंगे, इसको CF से या कैपिटल F से डिनोट करते हैं, इसको F से डिनोट करते हैं। क्लियर? तो CF जो संचयी बारंबारता है, ये मान कैसे हम निकालेंगे, तो ये जो मान आता है, जैसे 35 आया, तो ये किस नंबर के अंतर्गत है, 41 के अंतर्गत ना, तो इसके जस्ट ऊपर वाला नंबर जो होगा संचयी बारंबारता का, वो नंबर लेंगे। ठीक है, तो संचयी बारंबारता का मान क्या होगा यहाँ पर, जो सॉल्व करते समय लेंगे 18। तो फार्मूला आपको याद रखना है मीडियन का, क्या होता है भाई फार्मूला, L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान स्मॉल f इंटू n बाई 2 माइनस CF। क्लियर? आप इस फार्मूले में आप मान रख दीजिए, L1 क्या, L1 का मान क्या है यहाँ पर 15 है, प्लस L2 माइनस L1, अगर L2 से L1 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 20 में से 15 घटाओ क्या आ जाएगा 5,
और स्मॉल f का मान क्या है 23, और n बाई टू का मान क्या है यहाँ पर 35, माइनस सी एफ का मान क्या है भाई 18, तो रख दीजिए यहाँ पर मान, तो क्या हो जाएगा 15 और प्लस 5 बटा 23 गुणे, यहाँ पर घटाइए एक हासिली के 15 में से 8 घटा और 7 आ जाएगा और 2 में से 1 घटा 1 आ जाएगा, ठीक ये हो गया। अब क्या करोगे यहाँ पर 15 प्लस यहाँ पर 17 बचे 85 बटा 23, 23 से हम 85 को भाग देंगे तो भाग दे देते हैं भाई इधर 3 3 9 3 2 6, तो यहां पर क्या आ जाएगा मान 15 प्लस 3.69, तो यहां पर मान क्या आ जाएगा 15 3 18.69, या इसको ये लिख सकते हैं 18.7, ये आ गया है मीडियन का मान, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नया आए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेज प्रतिदिन अपलोड करी जाती हैं। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा।